वेलकम गाइज, जे के लोन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जे के लोन जॉब चैनल को और पाइए बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डेली नॉन स्टॉप। सो गाइज, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने भौतिक विज्ञान, जिसको आप फिजिक्स बोलते हो, एक ही बात है ठीक है, वो डिस्कस कर चुके थे। एमसीक्यूज जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते लेवल के, ठीक है, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे और रिपीट भी हो जाएंगे बहुत सारे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं रसायन विज्ञान इस वीडियो में। रसायन विज्ञान का पहला क्वेश्चन, हम ये पार्ट थर्ड है इसका रसायन विज्ञान का, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में 1 से 50 तक लेता और सेकंड में 50 से 30 तक, और इसमें 30 से आगे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय प्रवाह एसिडिक फ्लक्स का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक फ्लक्स, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अम्लीय प्रवाह यानी कि एसिडिक फ्लक्स का उदाहरण आपको बताना है। तो ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके सामने हाजिर है और आपके भी एग्जाम में चार ही ऑप्शन दिए जाएंगे। Cl2O3 प्लस CaO, Cl2O7, SiO2 या फिर CO2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, चार में से वन ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है और अभी आप सिलेक्ट करो ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हाँ क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे और कैसे टिक लगाना है। लगाओ टिक, ऐसे मान के चलो कि आपका एग्जाम ही हो रहा है, ऐसे मान के चलो। सो इसका राइट ऑप्शन आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा SiO2। जिन्होंने इस पर टिक लगाया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, एक नंबर पक्का। चलो आगे। निम्न में से कौन से एक संक्रमण धातु नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ट्रांसिजनल मेटल, संक्रमण धातु नहीं है, यानी कि आपको तो जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से संक्रमण धातु है। ये क्वेश्चन आपकी ये नॉलेज चेक करना चाहता है। जहाँ पर ये नहीं आ गया ना, इसका मतलब समझो कि आपको नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो आप कह पाओगे कि हाँ ये नहीं है, ठीक है। सो बताइए कि कौन सी नहीं है। एग्जामिनर ये नॉलेज चेक करना चाहता है आपके किस संक्रमण धातु है, की कितनी नॉलेज है आपको। सो आपने चूज कर लिया होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सीडियन की ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्रोमियम भी नहीं है, क्रोमियम है सॉरी, ठीक है, क्रोमियम भी है, कॉपर भी है, निकल भी है, बट ये नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। चलो आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। प्रोटीनों के विकृतिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रोटीन का विकृतिकरण हो जाता है ना गाइस, आपने देखा होगा कि उसके अंदर के बंध जो है टूट जाते हैं, ठीक है, और प्राथमिक प्रोटीन, द्वितीयक प्रोटीन, तृतीयक प्रोटीन होती है, आपको खुद को पता है, विशेष प्रकार के लूप होते हैं उसमें। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू विथ रिगार्डिंग द, देखो कैसे विकृतिकरण होता है, या तो प्रोटीन को गर्म करो तब होता है, ठीक है, आपने देखा होगा ना बहुत सी कंडीशन में दूध फट जाता है, बहुत सी कंडीशन आपने देखा होगा कि अंडे को जब उबालते हैं तो रबड़ जैसा एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल इसके, तो प्रोटीन के विकृतिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है प्रोटीन का विकृतिकरण प्रोटीनों के प्राथमिक और तृतीयक संरचना के पुनर्व्यवस्था के कारण होता है। अगर हिंदी समझ में नहीं आते हो तो मेरी इंग्लिश भी आपके लिए दे रखी है, ठीक है। विकृत प्रोटीन अपनी जैविक गतिविधि को बरकरार रखता है, यह प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना की पुनर्व्यवस्था के परिणाम स्वरूप होता है। प्रोटीन की रासायनिक संरचना विकृतिकरण द्वारा बदल दी जाती है। आई होप आपने वैसे टिक लगाया होगा कि विकृतिकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, यह प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना की पुनर्व्यवस्था के परिणाम स्वरूप होता है। यह प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक संरचना की पुनर्व्यवस्था के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन थर्ड, निम्न में से कौन से एक विकिरण समस्थानिक का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोआइसोटोप इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर आप जानते हो कि डब्ल्यू बी सी की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है और काफ़ी डेंजरस रोग है,
ठीक है ना। तो विकिरण समस्थानिक का प्रयोग रक्त कैंसर के उपचार में होता है, ट्रीटमेंट में कौन सा होता है गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। सो गाइस इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका P32, ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ओ 1 ग्राम ओ सबिस्टांस बाय 1 K 9 आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा या फिर एंथैल्पी या फिर तापीय धारिता या फिर गुप्त ऊष्मा। चैप्टर पढ़ा होगा ना आपने थोड़ा सा ऊष्मा से रिलेटेड, तो आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। और क्वेश्चन वही है जो आपके 11th और 12th में थे, कोई भी बाहर से नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन वही यहीं से बनते हैं, आपको कोई भी एग्जाम दो आप, चाहे आप पैरामेडिकल का दो, नर्सिंग का दो, ठीक है, फार्मेसी का दो, एग्रीकल्चर का दो, किसी का दो, डिप्लोमा एनिमल हस्बेंड्री का दो, यानी कि वेटनरी का दो, PMT का दो, क्वेश्चन यहीं से इसी लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। PMT में थोड़ा हाई होता है, ठीक है, PMT तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के भी, बट PMT के अलावा जितने भी एग्ज़ाम है वो लेवल यही रहता है, ठीक है, क्योंकि वो PMT तो आपको जानते हो, नीट तो ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत ही हार्ड। आपको आ गया होगा फिर इसका आंसर, ठीक है, आवश्यक ऊष्मा कहलाती है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। चलो आगे, वह ऑक्साइड जो हाइड्रोजन द्वारा अपचित नहीं होता, द ऑक्साइड विच नॉट रिड्यूस बाय हाइड्रोजन, K2O, P4O10, Fe2O3 या फिर Ag2O। वह ऑक्साइड जो हाइड्रोजन द्वारा अपचित नहीं होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका K2O। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन तो मिलते रहेंगे जब तक आपके लाइक, हमको आपका प्यार मिलता रहेगा, लाइक के थ्रू ही आप रिप्रेजेंट करते हो अपने प्यार को, ठीक है, तो हम भी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, सारा काम निकाल के आपके लिए, पहले वीडियो, ठीक है, और बाकी सब काम बाद में। वह यथार्थ अवस्था जिस पर अम्ल सारक अनुमापन यानी कि एसिड बेस ट्रांसेशन में उदासीनीकरण ठीक प्रयोग हो जाता है, तुल्यांक बिंदु, अनुमापन बिंदु, प्रतिलोमन बिंदु या फिर उदासीनीकरण बिंदु। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका तुल्यांक बिंदु, ठीक है। चलो आगे, वे आकार जिनमें प्रोटीन अणु की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है, द शेप इन विच ए लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन और प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इट ऑफ। प्रोटीन अणु की एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला उपस्थित होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, अल्फा हेलिक्स, गामा पैलेटेड शीट या फिर अल्फा हेलिक्स बीटा पैलेटेड शीट या फिर गामा हेलिक्स बीटा पैलेटेड शीट या फिर बीटा हेलिक्स अल्फा पैलेटेड शीट। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, लैंग्वेज दोनों आएगी, ऑप्शन 4 आएंगे, टिक आप खुद लगाओगे वहाँ पर, तो यहीं पर सीख लो, टिक लगाना फ़ायदे में रहोगे, प्रैक्टिस भी हो रही है, सीखने को भी मिल रहा है रोज़ निया, कितनी अच्छी बात है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट, अल्फा हेलिक्स। देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पहले वाला देख लेते हैं, बाद का देखते नहीं है, दोनों चीज़ें देखनी है, एक तो अल्फा भी देखना है, बीटा भी देखना है, हेलिक्स भी देखना है और प्लेटेड सीट भी देखनी है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन कंफ्यूज टाइप के होते हैं थोड़े से, सो सिंपल इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका अल्फा हेलिक्स बीटा प्लेटेड सीट, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। चलो बढ़ो आगे, नियत आयतन पर अवशोषित ऊष्मा इसके बराबर होती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, निकाय के एंट्रोपी में परिवर्तन, निकाय की पूर्ण ऊष्मा में परिवर्तन, निकाय की मुक्त ऊर्जा। नियत आयतन पर अवशोषित ऊष्मा इसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, सिंपल निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के, ठीक है, निकाय में आंतरिक ऊर्जा की परिवर्तन। चलो आगे,
सार में फिनोलेप्टिन का रंग होता है। द कलर ऑफ फिनोलेप्टिन इज बेस, गुलाबी, रंगीन, लाल, नारंगी। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सार में फिनोलेप्टिन का रंग होता है, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका गुलाबी। ठीक है गाइज, क्वेश्चनों में कोई कमी नहीं है। देखो क्वेश्चन तो हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर ये भी कम लग रहे हो तो एक और चैनल है, उसका नाम है जीके एमसीक्यू एमके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रोजाना क्वेश्चन मिलते हैं, जाके देख सकते हो। लिंक नीचे दे रखा है उसका। 965 सेकंड के लिए 5 एम्पेयर के पार्थ होने से कॉपर सल्फेट के विलयन में निक्षेपित तांबे का द्रव्यमान है। वो बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, लेवल ये रहता है न्यूमेरिकल का, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा इजी, मीडियम। ऑप्शन आपके सामने आ जा रहे, 1.5, 15.8। सिंपल सी बात है, अगर इसको रफ पेज में ईमानदार से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा इसका राइट ऑप्शन 4825 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन डी आ जाएगा। बढ़ो आगे, अभिकारक के संबंध में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि है, यदि अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर कैसे प्रभावित होगी। वन बाय फोर के तक घट जाएगी, 1/2 के तक घट जाएगी, 1/4 के तक बढ़ जाएगी, या फिर 1/2 के तक बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और कोई भी कमी नहीं आएगी गाइज, क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। लेवल आपको खुद को पता चल रहा है और स्कोप काफ़ी है आपके, जो आप करने जा रहे हो, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, चाहे आप पैरामेडिकल कर रहे हो, फार्मेसी कर रहे हो, या फिर कोई अदर कोर्स कर रहे हो एग्रीकल्चर में भी, यानी कि साइंस का जो डिपार्टमेंट है फुल स्कोप से भरा पड़ा है। आप तो नंबर लेके आ जाओ बस गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और क्यों नहीं आएगा वैसे नंबर, आप रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हो जेकलॉन जॉब चैनल से तो आ जाएगा, श्योर है। सो इस बात पर इसका आंसर बन जाए कि अभिकारक के संबंध में एक अभिक्रिया देते कोटि है, यदि अभिकारक की सांद्रता आधी कर दी जाए तो अभिक्रिया की दर कैसे प्रभावित होगी। इसका राइट ऑप्शन है 1/4 तक के तक घट जाएगी, 1/4 के तक घट जाएगी। ठीक है, डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है आपका, आईएफएससी नाम तो सबको आता है ना गाइज, बता देना अगर नहीं आया तो हम आपको सिखा देंगे। निम्न यौगिक का आईयूपीएसी नाम, द आईयूपीएसी नेम ऑफ फ्लोइंग कंपाउंड, इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। ये जो दिख रहा है ना आपको, इसका पुराना चाहिए इसके बारे में। देखो क्वेश्चन बनता है आईएफएससी नाम से, और इसके ऑप्शन दे रखे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। ये चार ऑप्शन है, ईमानदारी से गाइज बता दो, ईमानदारी से आप तो ठीक है, कोई शर्माने वाला बात नहीं है, गलत भी जाएगा तो आपको खुद को पता है, ठीक है, और किसी को नहीं, बट आपके अंदर की ईमानदारी को खोना मत कभी, ये बात ध्यान रखना गाइज। अगर अपने ईमानदारी को बनाए रखते हो तो आप कितनी भी ऊँचाइयों तक जा सकते हो, उसमें कोई शक की बात नहीं है, ठीक है। अगर चिटिंग करते हो वो अपने आप के साथ धोखा करना होता है, ठीक है। तो बताइए ईमानदार से कौन सा ऑप्शन सही इसका, बताओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, 5 सेकंड का टाइम है। जो भी आपने पढ़ा है 11th 12th में, बस वही क्वेश्चन है ये गाइज, उसी लेवल के हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन एमसीक्यू बना के, और ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। आई होप आपने वन ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया होगा, कोई बात नहीं, किसी ने ये किया होगा, किसी ने ये, बट अपने अंदर की गलत फैमिली तो दूर हो जाएगी भी। लेट मी चेक इस राइट ऑप्शन, 1,4,4 ट्राई मेथाइल साइक्लोहेक्जेन 1-ईन, सिंपल, ठीक है। और जिन्हों को ये सही था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जिनको नहीं था तो कृपया करके आईयूपीएसी नाम पढ़िएगा, फॉर्मूले पढ़िएगा, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो बनाने के लिए रिकमेंड कर सकते हो कमेंट में कि हमको आईपीसी नाम लिखना सिखाओ, हम सिखाएंगे 100%, और ऐसा सिखाएंगे कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। चलो आगे, वैसे आता होगा, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर देना, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो
तो इंस्टाग्राम पे 100% आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। इमरजेंसी कुछ ज़्यादा ही पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना है, 100% जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। और फॉलो करके रखना ताकि हम आपसे, आपका और हमारा कम्युनिकेशन होता रहे, ठीक है। लिंक नीचे दे रखा है फेसबुक इंस्टाग्राम का, दिए गए योगी का आईयूपी से नाम है। एक और क्वेश्चन आ गया, बन जाता है एक अफसर क्वेश्चन बन जाता है 2-3 ऐसे, ठीक है। सो आईयूपी से नाम आना जरूरी है केमिस्ट्री का, तो यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते, तो आपको ईमानदार से बताना कि आईयूपी से नाम क्या है इसका। आपके जो 11th 12th में जो पढ़ाया होगा आपने, अवश्य सिखाया होगा किसी ना किसी ने, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन कोई शक है तो कमेंट कर देना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3-bromo-methyl-2-iso-propyl-hexane-1-ol, ठीक है। ऑप्शन 1st ही सही इसका, तो ये वाला, ये है इसका आईपीसी नेम। अगला क्वेश्चन है आपका, थोड़ा न्यूमेरिकल है गाइस। अभिक्रिया एबी के लिए एक अभिकारक की सांद्रता 25 मिनट में 0.04 मोल से 0.03 मोल तक बढ़ जाते हैं, सेकंड में औसत दर की गणना करनी है आपको। ऑप्शन आपके सामने हाजिर है ईमानदारी से, और वीडियो अगर कोई भी मिस कर दिया हो तो चैनल पे जाके देख लिया करो, सिंपल सी बात है। नीचे लोगो दिख रहा है, लोगो पे नीचे जेकलोन जॉब लिख रहा होगा आपके, तो उस पर क्लिक करके सीधा आप वीडियो के ऑप्शन पे चले जाए, सारे वीडियो जितने भी वीडियो है सारे मिल जाएंगे आपको। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 6.7 × 10⁻⁶ मीटर यूनिवर्स, ठीक है। ऑप्शन 1st, और जो लिंक हमने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं।